प्रोड्यूसर आप भी डायरेक्टर हो सर, ये तीनों दोनों के दोनों हॉरर मूवीज है, इसके लोकेशन के बारे में बताइए थोड़ा, क्योंकि हॉरर मूवी का मेन लोकेशन होते हैं कहाँ कहाँ लोकेशन शूट हुआ। एक्चुअली क्या है, डार्क हाउस की जो सब्जेक्ट के अनुसार हमें लोकेशन मिली, मैंगलोर हम लोग पहुँचे, वहाँ पे हमने रेकी किया, बहुत खतरनाक हमें एक बंगलो मिला और सब्जेक्ट के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा भी था, क्योंकि डार्क हाउस मतलब डार्क हाउस होना बहुत ज़रूरी था। तो मुंबई की लोकेशन तो काफ़ी हम लोग यूज कर चुके थे, हर फिल्म में हम देखते ही हैं कि पूरा मर्ड सब लोग फिल्म में ही देख चुके हैं, तो कुछ डिफरेंट हमें चाहिए था, तो हमने रुक किया मैंगलोर की तरफ। तो मैंगलोर में हमें काफ़ी अच्छी लोकेशन मिली और शूट वहीं किया हमने कंप्लीट। ये डार्क हाउस की बात है और थ्री डेज ऑफ हॉरर का भी शूट पूरा मैंगलोर के अंदर ही हुआ है। वहाँ पे काफ़ी मतलब जिस तरह का मूवी के अंदर लोकेशन वगैरह चाहिए था, जंगल टाइप का, वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, हरा भरा था, तो जिस तरीके का जो चीज़ चाहिए तो वहाँ पे मिली हमें, तो वहीं शूट हुआ पूरा। और सबसे मेन रीज़न ये था कि हमारे जो सेकेंड पार्टनर है सुरेश जी, उनका मैंगलोर में नेटिव प्लेस है, इसलिए हमको बहुत ईजी पड़ा वहाँ शूट करना, हर चीज़ अवेलेबल थी क्योंकि खुद का उनका घर था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैंगलोर में जो हॉरेबल चीज़ क्रिएट कर रही थी, इसलिए हमको सब सूट किया, इसलिए हम बोथ फिल्म की जो शूटिंग किया वो मैंगलोर में किया। किस तरह की मूवी है ये दोनों? ये दोनों डायरेक्टर ही बता सकते हैं अपनी अपनी फिल्म के बारे में। हाँ, थ्री डेज ऑफ हॉरर एक दो भाइयों की कहानी है, जिसमें से पहले भाई का कुछ कतल वतल हो जाता है, तो बस उसी को लेकर पूरा का पूरा ब्रिज बना हुआ। डार्क हाउस एक हॉरर फिल्म है, यानी रोमांटिक हॉरर फिल्म बोल सकते हैं इसको, और हॉरर फिल्म बस सभी जानते हैं हॉरर क्या होता है। अभी एडवेंचर खोल दूंगा तो अभी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हॉरर का मतलब होता है अभी देखना एंटरटेनमेंट, जब तक हम अंदर दे जाके देखेंगे नहीं पता नहीं चलेगा हॉरर क्या है, तो मेरे ख्याल से फिर हमें वेट कर लेना चाहिए सिनेमा तक, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कैसा है। सर, या तो हॉरर मूवी या कोई भी मूवी हो, हर एक मूवी में शूट करने के लिए प्रॉब्लम फेसेस तो होती है, तो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस किया आपने? बहुत सारे हम लोगों ने प्रॉब्लम झेला है। एक्चुअली मैं पहले डार्क हाउस के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले तो जो हमारी आर्टिस्ट थी को अपना जो हमारी जो स्टार है पूजा पोदार, उसने हमें काफ़ी परेशान किया। परेशान इस वजह से किया क्योंकि वो लेंस लगा के जब मेकअप करके सामने आती थी तो पूरी यूनिटी घबरा जाती थी, और यहाँ तक कि पूरा माहौल ऐसा बन चुका था कि यूनिट का हर बंदा उसके सामने आने से घबरा रहा था। लेकिन ठीक है, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि पहली बार मैं कैमरा ने अपना डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी पहले भी दो फिल्में आ चुकी, तो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा था, और पहले भी मैं हॉरर शो में असिस्ट कर चुका हूँ, 3 साल हुई है, तो मुझे मज़ा आया काम करने में, और काफ़ी थैंक्सफुल कि उन्होंने प्रोड्यूसर साहब ने मुझे चुना इस फिल्म के लिए, डार्क हाउस के लिए, और जितना मुझसे हो सकता था मैंने डार्क हाउस में हॉरर किया। थ्री डेज हॉरर में जो लीड कर रहे हैं ओवेश, बस वही शुरुआत के दिनों में जैसे हमने शूट स्टार्ट किया तो 3 दिन के लिए बीमार पड़ गया था पूरा, बस यही थोड़ी सी तकलीफ फेस हुई, बाकी तो बड़ा स्मूथली काम हुआ, सब आर्टिस्ट लोगों ने अच्छे से कोऑपरेट किया, अच्छे से काम किया, बाकी मैम ने बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे हमारे को, इनका सपोर्ट होना तो बहुत ही ज़रूरी था, वरना दोनों ही फिल्में नहीं होती। किस तरह की फ़र्क होती है सर दोनों फिल्मों में, हॉरर फिल्म और एक नॉर्मल जो लव स्टोरी इस तरह की फिल्में होती है, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है बेसिकली? देखिए, शूट का तरीका तो एक ही होता है, लेकिन रोमांटिक में एडवेंचर कम होता है क्योंकि सबको रोमांस मिलता है, लेकिन हॉरर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हर एक सीन में एक एडवेंचर अपने को खेलने को मिलता है, देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारी ऑडियंस वेट करती है कि अगले सीन में क्या, लेकिन रोमांस में नहीं पता चलता, और रोमांस में सब लोग बस बहते चले जाते हैं और हॉरर में डरते चले जाते हैं। इंडस्ट्री में तमाम तरह की हॉरर फिल्में आती है और आती रहेंगी, लेकिन आपके फिल्म में खास क्या है? हॉरर के साथ एंटरटेनमेंट है, सब कुछ पूरा मसाला है जैसे कि हमारी ऑडियंस चाहती है, और कमाल की हम लोगों ने मेहनत की है। अच्छा मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, डार्क हाउस की बात करें और थ्री डेज ऑफ मिरर की बात करें, तो ये और एक फिल्में आपकी आ रही है कि साइलेंस, तीनों तकरीबन एक ही सब्जेक्ट पे नज़र आ रही हैं, आधारित नज़र आ रही हैं, और आप हैट्रिक भी करने जा रही हैं। तो ऐसे ही सब्जेक्ट आपने क्यों चुना, क्या ऐसा कुछ रियल लाइफ में भी आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एज अ प्रोड्यूसर मैं हूँ बिजनेस वूमेन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजीली ये चीज़ें बिक जाती हैं और ईजीली इन चीज़ों को लोग देखते हैं। हॉरर फिल्म आज मार्केट में बहुत कम आ रहा है, आप सेक्स के साइड जाइए तो वो आज मार्केट में बिल्कुल डाउन हो चुका है, फैमिली ड्रामा आजकल चल नहीं रहा है,
तो मैंने सब सर्च किया कि क्या चीज़ें आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा आएंगी, तो वो एंड ऑफ द टाइम देखा गया कि हॉरर, हॉरर अभी बनना भी बंद हो गई, कोई अभी बना भी नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने हॉरर पे पॉइंट किया कि चलो इस पर ही ध्यान दे के अपन हॉरर पे एक दो अच्छी फिल्म कम्प्लीट कर चुके हैं, तीसरी फिल्म हमारी हॉरर नहीं है जी। बिजनेस की बात करें तो जिस प्रकार से अभी आपने जिक्र किया बिजनेस की, तो कोई बायर अभी तक मिला है दोनों फिल्मों का? हाँ सर है, तभी तो इतना कदम उठा रहे हैं, सॉरी वो सब चीजें हम यहाँ। एक्चुअली क्या मैडम, और एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि रियल लाइफ में ये शूटिंग करते हुए इस प्रकार का कोई हादसा हुआ था वहाँ पे? हाँ बिल्कुल हुआ था, शेयर करना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी लीड जो कर रही है पूजा पुदार, वो जब सीन कर रही थी तो सीन करते करते वो अनकॉन्सियस हो गई थी, और अनकॉन्सियस होते हुए वो कुछ अलग ही दुनिया में चली गई थी। बहुत देर तक हम लोग सब परेशान थे, फाइनली शूट रोकना पड़ा उस वक्त हमको, क्योंकि रात का वक्त था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और एक अजीब सा माहौल बन गया था हॉरर का। कभी कभी हमें लगा कि ये नाटक कर रही है, एक्टिंग कर रही है, लेकिन बाद में पता चला ये तो रियल में कर रही थी। और पता नहीं कुछ होता, देखो सुपरनेचुरल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्या है क्या नहीं है, ये तो पूजा ही आपके सामने आके बताएगी क्या ड्रामा था। मैडम हम आपसे वापस एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या हॉरर फिल्म की एकता कपूर बनना चाहते हैं? नहीं सर, एकता कपूर नहीं, मैं दरक्षण सिद्दीकी बनना चाहती हूं। आने वाले फ्यूचर में आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या क्या और लेकर आ रहे हैं? सर मसाला लेके आ रही हूँ मैं, बहुत सारा मसाला, जिसमें सबको एंटरटेन मिलेगा, हर तरह से एंटरटेन मिलेगा। दो हॉरर फिल्म के बाद मैं एक थ्रिलर हॉरर करने जा रही हूँ, जिसमें हॉरर नहीं है थ्रिलर है। इसके बाद टर्न बाय टर्न बहुत एंटरटेनमेंट दूंगी मैं। आपने शुरू से आपके मतलब कहते हैं कि बचपन से इस प्रकार का कुछ उद्देश्य आपने बना रखा कि मुझे प्रोड्यूसर ही बनना है? हाँ सर, ये तो कंफर्म था कि मुझे प्रोड्यूसर ही बनना है, और मैं प्रोड्यूसर ही बनना चाहती थी जी। तो फाइनली मैं प्रोड्यूसर बन गई। कितनी खुशी हो रही है और कितना कहने का? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बट ये खुशी अधूरी है मेरे पार्टनर के बगैर। सुरेश जी यहाँ होते तो उस खुशी का अंदाज़ा दूसरा होता, क्योंकि उनके बगैर मैं अधूरी हूँ, उनके साथ ही मैं पूरी होती, और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे बैठी हूँ आज। दरवाजा खड़खड़ा रहा है क्या? ये डार्क हाउस का दरवाजा। अब्बा जी, अब्बा जी, जी जी, डार्क हाउस की बात करें, उसके अलावा और प्रोजेक्ट की आपकी बात करें तो कौन से प्रोजेक्ट आपने इसके पहले की है और करने वाले? इसके पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, थिंक ऑफ ब्यूटीज, जो रिलीज है यूट्यूब पे। दूसरी फिल्म मेरी अभी रिलीज के लिए रेडी है, परफेक्ट गेस्ट पीजी, जो जिसका बिजनेस समथिंग हो चुका है और रिलीज की डेट की वेट कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छी फिल्म है वो भी। और तीसरी फिल्म मेरी ये है जो अभी रिलीज के लिए रेडी है, और इससे पहले मैं एक मूवी और कर चुका हूँ, मडरेट मिडनाइट, वो भी रिलीज के लिए रेडी, मतलब यानी कि घूम फिर के तीन फिल्में मेरी रिलीज के लिए रेडी हैं इस साल। देखो इंशाल्लाह आप लोगों के द्वारा ही सब ठीक ही रहेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ परवेज मुशर्रफ के फिल्में बन रही हैं, उसके बारे में? मेरे एक सब्जेक्ट है परवेज मुशर्रफ, जो मैं साउथ के लिए लिखा हूँ। मेरे एक फ्रेंड है मतीन खान डायरेक्टर, वो उस फिल्म को कर रहे हैं, और काफ़ी कॉमेडी सब्जेक्ट है परवेज मुशर्रफ, लीक से हटकर है साउथ में, तो काफ़ी एडवेंचर सब्जेक्ट है, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन एज ए राइटर, सर, एज ए राइटर, आप राइटर भी हो, राइटिंग एक तो राइटर हो और आप डायरेक्शन में भी जा रहे हो, तो कितना डिफरेंस है ये? नहीं कुछ नहीं, क्योंकि आधा डायरेक्शन तो हमारा राइटिंग पे ख़त्म हो जाता है, और एक्चुअली क्या और आसान रहता है अगर एक राइटर एक डायरेक्टर बन सके तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि हम जब लिखते हैं किसी चीज़ को तो फिल्म देखकर ही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि क्या हम लिख रहे हैं, क्या चलने वाला है, तो हमें शूट करने में ज़्यादा ईजी रहता है कि हमने जो सोचा है वो हम पर्दे पर ला रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमने लिखा बेटर है, अगर डायरेक्टर कोई और मिल जाए तो वो उसका विज़न अलग रहता है, हर डायरेक्टर के अपने अपने विज़न रहते हैं। हो सकता है डार्क हाउस कोई और करता तो किसी और एंगल से शूट होती हो, लेकिन ये मेरा अपना विज़न था, तो बस कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस समझदार होने चाहिए दोनों। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए, तीनों के लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम सर। सर आप लोग इंट्रोड्यूस कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों, बाकी डिवीजन का तो मेरी पूरी डार्क हाउस की टीम आपको इंट्रोड्यूस करो। हाय, दिस इज अंकित राघव एंड पूजा पोदार। हाय, दिस इज अमित लखवानी। किस तरह की मूवी है, इसके बारे में बता दीजिए सर, आपके मूवी से। अंकित की मुझे, अंकित आपके मुझे बनाना, हॉरर है और थोड़ा रोमांस भी है, जो एक एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हॉरर से डर लगता है थोड़ा सा, बट वी लव, मज़ा आया काम करने में, आपको भी मज़ा आएगा देखने में। मैम देखा, पूजा मैम देखा जाए तो फिर ये जब शूट कर रहे थे